जंग बंदी के बाद फिर से तुर्की और इसराइल के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान 11 रोज किसी क़यामत से कम नहीं थे। इन 11 दिनों में फलस्तीनी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे सिसकते बिलकते अपनी आज़ादी की जंग लड़ते रहे। दूसरी तरफ मासूम जिंदगियां निगलने वाला सफाक दरिंदा इसराइल, जिस पर कुदरत की तरफ से कहर नाजिल होगा, नहते लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहा। लेकिन पाकिस्तान तुर्की की कोशिशों से आखिरकार 11 दिन बाद उसने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। लेकिन जंग बंदी के बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई? दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आप तमाम दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इनसाइड न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ जंग बंदी के बाद मस्जिद अक्सा में इसराइली पुलिस की नमाजियों पर फिर शेलिंग। इसराइली पुलिस ने नौजवान के मजमे पर आंसू गैस की शेलिंग की और हवाई फायरिंग की, तहम नौजवान मुंतशिर न हुए तो अहलकारों ने ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिए। लेकिन इस सारे मामले पर शाम में मौजूद तुर्क फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल का मुंह दिया।